मोहनलाल अपनी बीवी चंदा के साथ रहता था। एक दिन चंदा के सपने में देवी माँ आई। देवी माँ ने चंदा को बताया, मंदिर में एक बच्चा है जिसकी देखभाल कोई करने वाला नहीं है, तुम्हें उसे घर लाना होगा। चंदा ने सुबह सुबह ही मंदिर पर जाकर उस बच्चे को अपने घर पर ले आती है। बच्चे को देख मोहनलाल कहता है, किसका बच्चा लेकर आई? चंदा सारी बात मोहनलाल को बताती है। रात में देवी माँ सपने में आई थी, उन्होंने बच्चे के बारे में बताया। मोहनलाल और चंदा उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मोहनलाल और चंदा को अपना बच्चा तो था नहीं, बच्चे का नाम उन्होंने देवीदास रखा। देखते देखते बच्चा बड़ा हो गया। देवीदास अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था, तब भी बीच में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए देवीदास अपनी क्लास में जाता है। टीचर उसे देखकर गुस्सा करती है और कहती है, देवीदास, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी बारिश हो अपने साथ छाता लेकर आया करो। अगर अगली बार तुम भीग कर आए तो क्लास में नहीं लूंगी। देवीदास को देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वह उदास होकर घर चला जाता है। देवीदास को उदास देख चंदा पूछती है, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? देवीदास अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तभी उसी वक्त मोहनलाल घर में आता है। मोहनलाल को देख कहता है, पापा, आप मुझे छाता क्यों नहीं दिलवाते? पापा कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें जल्द ही छाता दिलवा दूंगा। अगले दिन देवीदास स्कूल के लिए चल देता है। तभी अचानक बीच रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। वह दौड़कर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। बारिश को देख देवीदास रोने लगता है। काफी देर तक वह रोता रहता है। तभी उसे पेड़ के पास एक छाता दिखता है। छाता लेकर देवीदास तुरंत स्कूल चला जाता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है, तभी अचानक जोर से आंधी आती है और बारिश शुरू होने लगती है। जैसे ही सभी लोग अपना छाता निकालकर बाहर आते हैं, हवा की वजह से उनके छाते उड़ जाते हैं। तभी देवीदास कहता है, आओ दोस्त, मेरे छाते में आ जाओ। बाकी बच्चे भी छाते के अंदर आते हैं। वह छाता बड़ा हो जाता है। यह देखकर सभी बच्चे उस छाते के अंदर आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ और लोग भी उसके छाते के नीचे आ जाते हैं और छाता और बड़ा हो जाता है। घर पहुंचने के बाद देवीदास के घर पर एक मुखिया जी आते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, देवीदास कहाँ हो, बाहर आओ। देवीदास और उसके पापा बाहर आकर कहते हैं, क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया जी कहते हैं, देवीदास के पास एक जादुई छाता है जो बड़ा हो जाता है। देवीदास तुरंत वह छाता मुखिया जी को देता है। मुखिया जी उस छाते को खोल कर कहते हैं, तुम तीनों इस छाते के अंदर आ जाओ। वे तीनों जैसे ही उस छाते के नीचे आते हैं, वो छाता तुरंत बड़ा हो जाता है। फिर मुखिया जी कहते हैं, छाते से हम एक साल के लिए बारिश का पानी बचा सकते हैं। हम देवीदास को गांव और तालाब के बीच में खड़ा कर देंगे, जिससे गांव के सारे लोग इस छाते के नीचे आ जाएंगे और यह छाता बड़ा होता जाएगा। अगले दिन बारिश होती है और देवीदास गांव के बीच में छाता लेकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग छाते के नीचे आ जाते हैं। अगले दिन बारिश होती है और देवीदास गांव के बीच में छाता लेकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग छाते के नीचे आ जाते हैं। बारिश का पानी तालाब में जमा होने लगता है। ये रोज चलने लगा। जब बारिश होती, पानी को तालाब में जमा किया जाता। लेकिन एक दिन बारिश बहुत होने लगती है। देवीदास का छाता इतना बड़ा होता है, पूरे गांव को बारिश के पानी से बहने से बचाता है। पूरे गांव में देवीदास की वाह वाह होने लगती है।